अब हम देखने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर भी देखेंगे एंड डिग्री भी देखेंगे। देखो अगर हमारे पास ऐसा लिखा है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, तो इसमें जो भी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशियंट प्रेजेंट है वो इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो इसमें क्या फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशियंट है, तो ऑर्डर क्या हो गया इसका वन। जो जहां से ऑर्डर मिल रहा है, जिस डिफरेंशियल कोफिशियंट से ऑर्डर मिल रहा है, उसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। डिग्री क्या हो जाएगी, तो डिग्री क्या है, पावर ऑफ डिफरेंशियल कोफिशियंट डिटरमाइनिंग ऑर्डर। ठीक है, अब अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का क्यूब प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो इसमें ये तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशियंट है, ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशियंट है, तो ऑर्डर कितना हो गया इसका टू। अब क्योंकि ऑर्डर यहां से मिल रहा है तो इसकी होल पावर कितनी, वन है ना, तो डिग्री क्या हो गई इसकी वन। ठीक है, ध्यान रखना डिग्री कभी भी क्या नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। ठीक है, क्या डिग्री जीरो हो सकती है, डिग्री जीरो भी नहीं हो सकती। ठीक है, थर्ड मान लो ये दिया हुआ है डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर टू डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसमें देखो डिग्री क्या, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या होगा इसका और इसकी पावर क्या टू, तो डिग्री क्या होगी इसकी टू। इसकी पावर ज्यादा है लेकिन क्योंकि ऑर्डर यहां से मिल रहा है ना, तो डिग्री भी यहीं से मिलेगी। ठीक है, अब एक और देखते हैं फोर्थ। ऐसा लिखा है y इज इक्वल टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और इसमें हमसे ऑर्डर एंड डिग्री पूछा था, तो पहले इसे इधर ले आओ y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग करोगे तो y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर टू एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें डिफरेंशियल कोफिशियंट जो है वन ऑर्डर का, ये भी वन ऑर्डर का, ये भी वन ऑर्डर का, तो ऑर्डर क्या होगा इसका डिग्री। देखो इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो टू आ रही है, यहाँ भी क्या टू है, तो डिग्री क्या हो गई इसकी टू। ऑर्डर कितना हुआ इसका वन एंड डिग्री क्या हो गई